तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं गूगल सीट, और गूगल सीट में हम बात करेंगे माइक्रोज एंड स्क्रिप्ट से, गूगल स्क्रिप्ट से। अगर आप गूगल स्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं तो आपके पास अगर जावा का, अच्छा खासा नॉलेज है तो इसको आप और अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। अगर जावा का अच्छा खासा नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा आपको इस पे जावा पे ध्यान देना पड़ेगा, राइट? ओके सर। गूगल जैसे कि एक्सेल में वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग है जो कि एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट सबके लिए होता है, ऐसे गूगल की जो स्क्रिप्टिंग है वो स्क्रिप्ट आपका गूगल सीट पे, गूगल फॉर्म पे, गूगल पीपीटी पे, गूगल डॉक पे, सब पे परफॉर्म करता है, लेकिन सबका अलग अलग तरीका है। हम यूज करते हैं एडिट्स बनाने के लिए या फिर एक कहिए तो फंक्शन खुद के क्रिएट करें। ओके सर। और एक चीज ध्यान रखिएगा, गूगल सीट अगर आप यूज करने जा रहे हैं तो अगर आपने कोई एक्सेल की फाइल ड्राइव में डाल रखी है तो उस पे गूगल सीट यूज नहीं कर सकते, गूगल स्क्रिप्ट यूज नहीं कर सकते आप। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा। ओके सर। जैसे कि ये देखिए हमारा ए डीडी नाम का फाइल है, dd.xlsx, ये मेरी एक्सेल की फाइल है जो कि मैंने अपलोड की है, राइट? मैंने इसको ओपन भी ड्राइव कर लिया, राइट? हाँ सर। हाँ। और दूसरा मैं यहाँ पे न्यू पे जाता हूँ और एक नया गूगल शीट क्रिएट करता हूँ, टाइटल है तो इसमें मैं नाम दे देता हूँ माइक्रोज वन के नाम से, राइट? ओके सर। दोनों में डिफरेंस है जी, ये आपका गूगल एक्सेल शीट, एक्सेल की फाइल्स को मैंने गूगल शीट में ओपन किया। इसके टूल्स में देख रहे हैं? हाँ सर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? हाँ। लेकिन जो मैंने क्रिएट की है इसके टूल्स पे आई है, वो मैक्रो आता है, मैक्रो स्क्रिप्ट एडिटर सवार है ना। तो हाँ सर किया कि अगर आपकी एक्सेल की फाइल है उस पे आप यहाँ पे एडिट्स भी नहीं है तो ये चीज हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप एक गूगल सीट जो आपने क्रिएट किया हुआ है उस पे आप माइक्रो वगैरह यूज कर सकते हो, क्लियर है? ओके। पहले आपको यहाँ पे एड ऑन्स दिखेगा, और ऑन्स क्या है कि इसमें जो फीचर्स आप चाहते हैं, जैसे एक्सेल में भी हमारा स्टोर होता था पहले, तो 2016 में नहीं है, तो ये बने बनाए आपके टेम्पलेट्स है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ओके सर। हेलो। हाँ सर हाँ, तो बने बनाए आपके ए एप्स है जिसमें आप जिसको यूज कर सकते हो आप एक्सेल शीट में। ओके, जैसे गोल से आपको दिख रहा है, मैं इसी को हाँ सर हाँ। वो एक्सेल में भी आता है ना गोल सिक्स। हाँ, और इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया एंड कंटिन्यू। ये एड ऑन्स है, एक्सेल में एड-ऑन्स होता है, इसमें एक्सेल एड-ऑन्स है। ओके सर। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ओके सर। तो एक चीज आप यूज करोगे तो आपको इसमें ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। हेलो। हाँ सही हो रहा है, इसको डन कर देता हूँ। ये आ गया ना, अब इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे ओपन हो गया। तो ऐसे एडाउंस को आप यूज कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, अब इसमें अपना टारगेट और सेल वगैरह दीजिए और यूज कीजिए।
ओके सर, इन हम अभी लर्निंग पोजीशन पे हैं, तो हमें ये जानना होगा कि आखिर मैक्रो कैसे यूज होता है। जैसे हम एक्सेल मैक्रो में आपको समझाते थे कि पहले हम रिकॉर्डिंग मैक्रो से ही प्रोग्रामिंग को सीखे, क्योंकि अगर मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने मैक्रो पे गया और रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया, राइट, जैसे सर मैंने यहाँ लिया और नेम रोल एंड मार्क्स कर, और यहाँ पे इसको सेव कर दिया, इसका नाम दे दिया हमने M1 के नाम से, एंड इसको सेव कर दिया। नेक्स्ट टाइम मुझे इसको रन करना होगा तो हमें क्या करना है, टूल्स में जाना एम और इसको यहाँ M1 को रन कर देना है। अच्छा, ये अकाउंट लॉगिन करने के लिए पहले बोलेगा आपको, एडिंस की तरह काम भी करता है कि जो भी कोडिंग है वो सेव तो फाइल फाइल इसमें ही होगी ना। हाँ सर, ओके सर, ओके ओके, अब सर, इसके मैनेज मैक्रो में हम चलते हैं, फिर देखते हैं क्या है। एडिट स्क्रिप्ट, यहाँ पे शॉर्टकट वगैरह बना सकते हैं, सॉरी सर। इसकी एडिट स्क्रिप्ट पे जाएंगे, एक अलग खुलेगा जिसमें जैसे एक्सेल में मैक्रो रिकॉर्डिंग होता था और इसकी कोड हम जाके देखते थे, ऐसे यहाँ पे आपका कोड है, ठीक है। सर। आपका फंक्शंस M1 ब्रैकेट ओपन क्लोज वेरिएबल निकल लो, स्पेयर शीट ऐप डॉट गेट एक्टिव, राइट, स्पेयर शीट हाँ सर, रेंज A1 एक्टिवेट, नेम डाला इसने एक्टिवेट, रोल नंबर डाला एक्टिवेट, और यहाँ पे अपना वैल्यू डाला, राइट। ओके सर, अगर मुझे अगर इसी को लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, देखिए मैं लिखूंगा यहाँ पे, एक मिनट, क्या जैसे मैं एक्सेल में करता था कि फंक्शन M2, राइट, ओके सर, कर्ली ब्रैकेट हमने ओपन किया क्योंकि जो भी कोडिंग करेंगे हम कर्ली ब्रैकेट में करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल sh इक्वल टू स्पेयर शीट ऐप डॉट गेट एक्टिव, मतलब समझे, स्प्रेड शीट ऐप मतलब कि स्प्रेडशीट ऐप मतलब जिसका एक्टिव जो एक्टिव वर्कबुक होता था, एक्टिव शीट होता था, एक्टिव वर्कबुक होता था, इसने एक्टिव इसको लेके इस पीस को असाइन कर दिया, राइट। अब मुझे ओके सर, पे मैं सिर्फ इसको लेता हूँ sh डॉट रेंज, लिख भी सकते हैं नेम, यहाँ पे क्या है करेंट वैल्यू दिख रहा है आपको, तो गेट रेंज आपको दिख रहा है डॉट एक्टिवेट, इसके जगह पे हम डाल देते हैं ये, इस तरह से आप इसको रन ये कर सकते हैं, समझ। ओके दिखा रहा नहीं सर, सर, ओके ओके सर, हाँ तो यहाँ भी हम करते हैं, यहाँ पे ये हो गया हमारा नेम हो गया, और फिर लास्ट में जब भी लाइन खत्म होता है सेमी कोलन लगाना जरूरी होता है, sh डॉट गेट रेंज, हैं गेट रेंज, सी और यहां पे हम दे देंगे t1, डबल कोमा देंगे तो नहीं चलेगा, डबल कोमा नहीं भी सही डबल रहेगा कॉमा सर। इसमें नहीं लेता है वैल्यू, यहां पे टैब नहीं चलता, एंटर चलता है, यहां पे कॉलर क्लोज, समझ गए। इस तरह से इसको यहां लिखेंगे, तो किसी सेल को वैल्यू करने के लिए ये रहा कोड हमारा, रोल के जगह पे मैं यहां पे मार्क्स कर देता, राइट, ओके सर, ठीक है। और उसके
अब यहाँ पे इसको क्लोज करना है आपको, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और ये सेमी कोलन दे दीजिए। अच्छा मैंने यहाँ पे कॉलम दे दिया, यहाँ पे सेमी कोलन हो गया, यहाँ भी सेमी कोलन हो ओके गया। सर। फंक्शन एम टू हमने बनाया, अब चलिए फंक्शन एम टू को मैं रन करता हूँ। यहाँ पे टूल्स मैक्रोज नहीं एफ कैपिटल है सर, इसलिए नहीं चलता। होता है। सेव हो गया, इसको रन करने से क्या होता है, सेव होता है हमारा, या फिर यहाँ से भी सेव कर सकते हो। तो सेव देखिए आ गया आपके सर, हाँ सर, हाँ सर। ऐसे ही यहाँ पे भी हम कर सकते हैं रन मैक्रो, या देखिए यहाँ पे M1 ही आ रहा है सेव। हाँ सर। तो यहाँ पे हम इक्वल कर सकते हैं M2। आ सकते कंट्रोल शिफ्ट ए हमने कर दिया, 0 to 9 है, 1 कर दिया। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट 1 है, 1 था ना, हाँ सर, हाँ सर। 0 था। कंट्रोल अल्टर शिफ्ट। ओके ओके मैं इसे गलत कर रहा, कंट्रोल शिफ्ट नहीं था हमारा। ठीक है ओके सर। इसका यूज कर सकते हैं। आया सर, हाँ सर, हाँ सर। तो इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं एक इमेज एक ड्राइंग करता हूँ, यहाँ पे असाइन स्क्रिप्ट दिख रहा है, हाँ सर। यहाँ पे M2। ठीक है ओके सर। समझ गया। हाँ सर, हाँ सर। तो आपका जो प्रॉब्लम था इसके जरिए हम शेयर करेंगे। अब इसमें अगला ऑप्शन आता है जो आगे हम सीखेंगे कि एक के नीचे कैसे एंट्री करेगा। ठीक है, ओके सर। तो ये चीज हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी आप क्या कीजिए कि रिकॉर्डिंग माइक्रो का इस्तेमाल करते हुए इसी तरह की माइक्रोज को समझने की कोशिश कीजिए। तो आपको क्या कीजिए, जितने भी जैसे फाइल करना, सेव करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, फॉर्मेटिंग करना, इन सबों का कोड आपको इसी तरह से लेना होगा। समझे कि नहीं सर। ओके सर। वीवी में कुछ सीखने के लिए ओके सर। आते हैं तो उस समय भी उसको हम इसी तरह से बताते हैं कि आपको शुरुआत में रिकॉर्डिंग माइक्रो से लर्न करना होगा। जैसे कि अभी आपको मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल दिया, रिकॉर्डिंग माइक्रो को मैंने देखा क्या, हाँ सर।
और उसको हमने अपने हिसाब से मॉडिफाई तो किया, हाँ सर, या ना सर? फिर उसको हमने एक हाँ सर, के ऊपर असाइन किया। हाँ सर, तो इसी तरह से आप जैसे कि किसी अलग डिफरेंट सीट में कैसे जाएंगे, कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो वो चीज़ें भी हम यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके सर, ओके सर, तो इसको एक बार आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए, अगली क्लास में, कल की क्लास में हम इसके बारे में और ज़्यादा चीज़ें बताएंगे, ठीक है? ओके सर, ठीक है हाँ ना? तो पहले हम आपको सर, मतलब कि जैसे बेसिक से शुरू करेंगे स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग थोड़ा सा, क्योंकि आपको जावा स्क्रिप्ट अगर आता तो ये चीज़ आप समझ जाते हैं, आपको कुछ ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। बट आप जावा स्क्रिप्ट को नहीं समझते हैं तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा सर। ओके सर, ओके सर, ओके सर, मिलते हैं कल। ओके सर। ओके, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर।